आज की क्लास में हम केबल मॉडेम कनेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। अ केबल मॉडेम कनेक्शन इज अ टाइप ऑफ नेटवर्क ब्रिज एंड मॉडेम दैट प्रोवाइड केबल टीवी कनेक्शन टेक केबल टीवी इंटरनेट कनेक्शन थ्रू केबल टीवी लाइंस। इट यूज कोएक्सियल केबल व्हिच इज कैपेबल ऑफ ट्रांसफरिंग डेटा एंड मच हायर स्पीड देन कॉमन टेलीफोन लाइन। केबल मॉडेम एक प्रकार का नेटवर्क ब्रिज है जो केबल टीवी लाइंस के माध्यम से केबल टीवी इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करता है। यह कोएक्सियल केबल का उपयोग करता है जो सामान्य टेलीफोन लाइंस की तुलना में बहुत अधिक स्पीड से डेटा ट्रांसफर करने में कैपेबल है। की पॉइंट्स: अ केबल मॉडेम कनेक्शन इज यूज्ड टू एक्सेस दिस सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द केबल ऑपरेटर। केबल ऑपरेटर के द्वारा प्रदान की जाने वाली इस सेवा तक पहुंचने के लिए एक केबल मॉडेम का उपयोग किया जाता है। द केबल मॉडेम कंप्राइजेस ऑफ टू कनेक्शंस, वन फॉर इंटरनेट सर्विस एंड अदर फॉर केबल टीवी सिग्नल्स। केबल मॉडेम में दो कनेक्शंस होते हैं, एक इंटरनेट सर्विस के लिए और दूसरा केबल टीवी सिग्नल्स के लिए। Since cable TV internet connection share a set of amount of bandwidth with a group of customers, therefore data transfer rate also depends on number of customers using the internet at the same time. क्योंकि cable TV internet connection customers के समूह के साथ bandwidth की एक निर्धारित मात्रा साझा करते हैं share करते हैं, इसलिए डेटा ट्रांसफ़र रेट एक ही समय में इंटरनेट का उपयोग करने वाले कस्टमर्स की संख्या पर भी निर्भर करती है। मोड ऑफ इंटरनेट कनेक्टिंग इंटरनेट। फर्स्ट, वायरलेस। रेडियो फ्रीक्वेंसी बैंड्स आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ टेलीफोन्स और केबल नेटवर्क। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एडवांटेज ऑफ वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन इज एन ऑलवेज ऑन connection that can be accessed from any location that falls within network coverage. Wireless connections are made possible through the use of modem which picks up internet signals and sends them to other device. Telephone ya cable network ke sthan par radio frequency band ka upyog kiya jata hai. Wireless internet connection ke sabse bade labhon mein se ek hai ऑलवेज ऑन, यानी उनका हमेशा ऑन रहना, जिसे नेटवर्क कवरेज के अंतर्गत आने वाले किसी भी स्थान से एक्सेस किया जा सकता है। वायरलेस कनेक्शन एक मॉडेम के उपयोग के माध्यम से पॉसिबल हो जाते हैं जो इंटरनेट सिग्नल्स को लेता है और उन्हें अदर डिवाइसेस पर भेजता है। मोबाइल। मैनी सेल फोन्स एंड स्मार्टफोन्स प्रोवाइड्स ऑफर वॉइस प्लान विद इंटरनेट एक्सेस। मोबाइल इंटरनेट कनेक्शंस प्रोवाइड गुड स्पीड एंड अलाउ यू टू एक्सेस द इंटरनेट। कई सेल फोन और स्मार्टफोन प्रोवाइडर इंटरनेट एक्सेस के साथ वॉइस प्लान ऑफर करते हैं। मोबाइल इंटरनेट कनेक्शन अच्छी स्पीड प्रदान करते हैं और आपको इंटरनेट तक पहुंचने की अनुमति देते हैं। हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट्स आर साइट्स दैट ऑफर इंटरनेट एक्सेस ओवर अ वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क WLAN by way of a router that then connects to an internet service provider. Hotspots utilize Wi-Fi technology which allow electronic device to connect to the internet or exchange data wirelessly through radio waves. Hotspot can be phone based or freestanding, commercial or free to public. हॉटस्पॉट एक ऐसी साइट है जो रूटर्स के माध्यम से वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क पर इंटरनेट एक्सेस करने की पेशकश करती है और जो फिर एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से जुड़ता है। हॉटस्पॉट वाईफाई टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को इंटरनेट से कनेक्ट करने या रेडियो फ्रिक्वेंसी के माध्यम से वायरलेस तरीके से डेटा का आदान प्रदान करने की अनुमति देता है। हॉटस्पॉट फोन बेस्ड या फ्री स्टैंडिंग, कॉमर्शियल या पब्लिक के लिए हो सकते हैं। डायलअप। डायलअप कनेक्शन रिक्वायर्स यूजर्स टू लिंक देयर फोन लाइंस टू अ कंप्यूटर इन ऑर्डर टू एक्सेस द इंटरनेट। दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ कनेक्शन ऑल्सो रेफर्ड टू एज अ लॉन्ग
to as analog that does not permit user to make or receive phone calls through their home phone services while using the internet. Dial-up connection के लिए user को internet access करने के लिए अपने phone line को computer से link करने की आवश्यकता होती है. यह विशेष प्रकार का कनेक्शन है जिसे एनालॉग भी कहा जाता है. यूजर्स को इंटरनेट का उपयोग करते समय अपने होम फोन सर्विसेज के माध्यम से फ़ोन कॉल करने या रिसीव करने की अनुमति नहीं देता. ब्रॉडबैंड दिस हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शंस इज प्रोवाइडेड थ्रू आइदर केबल और टेलीफोन कंपनीज. वन ऑफ द फास्टेस्ट ऑप्शन अवेलेबल broadband internet uses multiple data channels to send large quantities of information. The term broadband is shorthand for broad bandwidth. Broadband internet connections such as DSL and cable are considered high bandwidth connections, although many DSL connections can be considered broadband. Not all broadband connections are DSL. यह हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन केबल या टेलीफोन कंपनीज के माध्यम से प्रदान किया जाता है. उपलब्ध सबसे तेज ऑप्शंस में से एक ब्रॉडबैंड इंटरनेट की बड़ी मात्रा में जानकारी भेजने के लिए कई डेटा चैनल्स का उपयोग करता है. ब्रॉडबैंड शब्द ब्रॉड बैंडविड्थ के लिए शॉर्ट हैंड है. ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन जैसे DSL और केबल को हाई बैंडविड्थ कनेक्शन माना जाता है. हालांकि कई DSL कनेक्शंस को बैंडविड्थ माना जा सकता है लेकिन ब्रॉडबैंड माना जा सकता है लेकिन सभी ब्रॉडबैंड कनेक्शंस को DSL नहीं सभी ब्रॉडबैंड कनेक्शंस DSL नहीं है. DSL which stands for Digital Subscriber Line uses existing two-wire copper telephone lines connected to one's home so service is delivered at the same time as landline telephone services. Customer can still place call while surfing the internet. DSL का full form Digital Subscriber Line है. मौजूदा two-wire copper telephone lines का उपयोग करता है जो किसी के घर से जुड़ी होती हैं. इसलिए सर्विसेज उसी समय लैंडलाइन टेलीफोन सर्विसेज के रूप में डिलीवर्ड की जाती हैं. कस्टमर्स अभी भी इंटरनेट सर्फिंग के दौरान कॉल कर सकते हैं. केबल इंटरनेट कनेक्शन इज अ फॉर्म ऑफ ब्रॉडबैंड एक्सेस. थ्रू यूज ऑफ अ केबल मॉडम यूजर कैन एक्सेस द इंटरनेट ओवर केबल टीवी लाइंस. केबल मॉडम कैन प्रोवाइड एक्सट्रीमली फास्ट एक्सेस टू द इंटरनेट. केबल इंटरनेट कनेक्शन ब्रॉडबैंड एक्सेस का एक रूप है. केबल मॉडम के उपयोग के माध्यम से यूजर केबल टीवी लाइंस पर इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं. केबल मॉडम इंटरनेट तक बहुत तेजी से पहुंच प्रदान करता है. सैटेलाइट इन सर्टेन एरिया वेयर ब्रॉडबैंड कनेक्शन इज येट नॉट येट ऑफर्ड अ सैटेलाइट इंटरनेट ऑप्शन में भी अवेलेबल. कुछ एरियाज़ में जहां अभी भी ब्रॉडबैंड कनेक्शंस ऑफर नहीं किया गया है वहां सैटेलाइट कनेक्शन को ऑप्शन अवेलेबल है. सिमिलर टू वायरलेस एक्सेस सैटेलाइट कनेक्शन यूटिलाइज अ मॉडम. वायरलेस एक्सेस की तरह सैटेलाइट कनेक्शन एक मॉडम का उपयोग करता है. ISDN इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क अलाउ यूजर टू सेंड डेटा वॉइस एंड वीडियो कंटेंट ओवर डिजिटल telephone lines or standard telephone wire. The installation of an ISDN adapter is required at both ends of the transmission on the part of the users as well as the internet access provider. Integrated service digital network users ko digital telephone lines ya standard telephone wires par data voice or video content bhejne ki anumati deta hai. एक ISDN एडाप्टर की इंस्टॉलेशन की आवश्यकता ट्रांसमिशन के दोनों सिरों पर यूजर्स के साथ साथ इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइडर की ओर से भी होती है. नेक्स्ट है हमारे पास वेब ब्राउजर. वेब ब्राउजर इज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फॉर एक्सेसिंग इंफॉर्मेशन ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब. Each individual's web resources such as a web page, images or videos is identified by a district union resource locator, enabling browsers to retrieve these resources from a web server and display them on a user's device's monitor.
कॉमन वेब ब्राउजर इंक्लूड माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, मोज़िला फायरफॉक्स एंड एप्पल सफारी। वेब ब्राउजर वर्ल्ड वाइड वेब पेज पर सूचनाओं तक पहुंचने के लिए एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। प्रत्येक इंडिविजुअल वेब रिसोर्सेस जैसे कि वेब पेज, इमेजेस, वीडियो की पहचान एक विशिष्ट यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर द्वारा की जाती है, जो ब्राउज़र को इन संसाधनों या रिसोर्सेज को वेब सर्वर से पुनर्प्राप्त करने और उन्हें उपयोगकर्ता या यूजर्स डिवाइसेस के मॉनिटर पर प्रदर्शित करने में सक्षम बनाता है। सामान्य वेब ब्राउज़र में माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, मोज़िला फायरफॉक्स और एप्पल सफारी शामिल हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर, द इंटरनेट एक्सप्लोरर प्रोजेक्ट वॉज स्टार्टेड इन द समर ऑफ 1994 बाई थॉमस रियोडिन। अकॉर्डिंग टू मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रिव्यू ऑफ 2003, यूज्ड सोर्स कोड फ्रॉम स्पाईग्लास, इंटरनेट एक्सप्लोरर इज अ सीरीज ऑफ ग्राफिकल वेब ब्राउजर कंपैटिबिलिटी सॉल्यूशन डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट एंड इंक्लूडेड इन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज लाइन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्टिंग इन 1995। इंटरनेट एक्सप्लोरर प्रोजेक्ट 1994 की गर्मियों में थॉमस रियोडिन द्वारा शुरू की गई थी। 2003 के मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रिव्यू के अनुसार स्पाई ग्लास इंक से सोर्स कोड का उपयोग किया जाता था। इंटरनेट एक्सप्लोरर ग्राफिकल वेब ब्राउजर्स की एक सीरीज है, एक माइक्रोसॉफ्ट द्वारा डेवलप किया गया है और 1995 में शुरू होने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम की माइक्रोसॉफ्ट विंडोज लाइन में शामिल है। मोज़िला फायरफॉक्स, ब्लेक ऑरन रॉस, बॉर्न जून 12, 1985, इज एन अमेरिकन सॉफ्टवेयर इंजीनियर हु इज बेस्ट नोन फॉर हिज वर्क एज अ को क्रिएटर ऑफ द मोज़िला फायरफॉक्स इंटरनेट ब्राउजर विद डेव हयात। इन 2005 ही वॉज नॉमिनेटेड फॉर वायर्ड मैगजीन्स टॉप रेव अवार्ड। ब्लेक ऑरन रॉस एक अमेरिकी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं जो डेव हयात के साथ मोज़िला फायरफॉक्स इंटरनेट ब्राउजर के को फाउंडर के रूप में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। 2005 में उन्हें वायर्ड मैगजीन्स के टॉप रेव अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था या नॉमिनेट किया गया था। गूगल क्रोम, आफ्टर co-founder Segebrin and Larry Page hired several Mozilla Firefox developers and built a demonstration of Chrome, scammed it, admitted it. It was so good that it essentially forced me to change my mind. In September 2004, rumors of Google building a web browser first appeared. Co-founder Segebrin और लैरी पेज ने कई मोज़िला फायरफॉक्स डेवलपर्स को काम पर रखा और क्रोम का एक प्रदर्शन बनाया। स्मिथ ने स्वीकार किया कि यह इतना अच्छा था कि इसने अनिवार्य रूप से मुझे अपना विचार बदलने के लिए मजबूर किया। सितंबर 2004 में पहली बार गूगल द्वारा वेब ब्राउजर बनाने की वेब ब्राउज़र बनाने का र्यूमर सामने आया। ओपेरा सॉफ्टवेयर वॉज फाउंडेड एज एन इंडिपेंडेंट कंपनी इन नॉर्वे इन 1995 बाय जॉन स्टेफेंसन, वॉन क्रेड्सनर और गियर अवोसोय। ओपेरा सॉफ्टवेयर की स्थापना 1995 में नॉर्वे में एक स्वतंत्र कंपनी के रूप में जॉन स्टीफेंसन, वॉन ट्रेड्सनर और गियर आइवो द्वारा की गई थी। वेब सर्च इंजन्स ऑन इंटरनेट सर्च इंजन्स इज अ सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट इज डिजाइंड टू कैरी आउट वेब सर्च विच मीन्स टू सर्च द वर्ल्ड वाइड वेब इन अ सिस्टमैटिक वे।
वेब सर्च इंजन या इंटरनेट सर्च इंजन एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है जिसे वेब सर्च करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसका अर्थ है वर्ल्ड वाइड वेब को व्यवस्थित तरीके से खोजना या सर्च करना। हमारे यहाँ पे कुछ सर्च इंजन दिए गए हैं, याहू, ask.com, बिंग, लाइकस एंड गूगल। गूगल इज द मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन अक्रॉस द ग्लोब विच इज़ यूज फ्रीक्वेंटली। It is popularity is assumed in the way like most people have set this as a homepage and default search engine for the browser. It is a web portal contain number of services like mail, book, translate, map, Google Plus, YouTube and so on. यानी जो Google है ये सबसे popular search engines है, इसकी popularity बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे लोग इसे अपने homepage पे set करते हैं एक default search engine के रूप में। और गूगल बहुत सारे वेब पोर्टल्स को कंटेन करता है, बहुत सारी सर्विसेज होती हैं इसमें, जैसे कि मेल की सर्विसेज, बुक्स की, ट्रांसलेशन की, मैप की, यूट्यूब की और भी बहुत सारी। याहू इज़ एन अनदर मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन अक्रॉस द ग्लोब एंड इज़ यूज वर्ल्ड वाइड। याहू भी एक दूसरा बहुत पॉपुलर सर्च इंजन है वर्ल्ड वाइड में। दिस वेरी वेब पोर्टल कंटेन नंबर ऑफ सर्विसेज विद अ वेरी डेकोरेटिव होम पेज। इसका जो वेब पोर्टल होता है ये बहुत सारे सर्विसेज को कंटेन करता है और इसका जो होम पेज होता है वो काफ़ी डेकोरेटिव होता है। बिंग इज़ अ न्यूअर इट्स सर्च इंजन अमंग द मेंशन्ड सर्च इंजन्स। बिंग जो है ये सब एक न्यू सर्च इंजन है। इट इज़ डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन। इसे माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा डेवलप किया गया था। It has replaced mostly MSN Microsoft Network search engines of its own developer team. Lycus is far older than these above search engines. It provide very access to user to search a things. It provide keyword search as well as directory search its homepage. Lycus जो है ये जो आपको ऊपर सर्च इंजन दिए गए हैं इनसे थोड़ा पुराना है। इसका भी यूज़ करके हम ये हमें किसी भी चीज़ को सर्च करने की परमिशन देता है। ask.com, ask is the common name for ask.com search engine. ask.com search engine का एक कॉमन नेम है विच अलाउ यूज़र टू परफॉर्म अ सर्च इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस टू फाइंड रिलेवेंट रिजल्ट। ये जो सर्च इंजन है हमारा ये हमारे क्वेश्चंस के आंसर्स को ढूंढने में हमारी मदद करता है। ask.com originally AskGV was started in 1996 by Garrett Gruner and David Watin. yani ask.com 1996 mein in persons ke dwara start kiya gaya tha।